कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की मार झेल रहा देश आज से धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। पिछले दिनों गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की गतिविधियों को फिर से शुरू करने की इजाजत दी गई। वही कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। तो चलिए अब जानते हैं किन राज्यों में किस तरह की छूट मिली है। सबसे पहले बात करते हैं यूपी और बिहार की। यूपी और बिहार सरकार ने लॉकडाउन 5 के संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए जून से प्रदेश के अंदर बस सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही सभी बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। सभी धार्मिक स्थल 8 जून से खुल सकेंगे। हालांकि शिक्षण संस्थानों को खोलने का निर्णय जुलाई में होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि एक शर्त भी रखी है, एक बार में सिर्फ 10 लोग ही अंदर जा सकते हैं। तो वहीं हरियाणा सरकार ने 1 जून से अंतर्राज्यीय सीमाओं को खोलने का फैसला किया है, जिसमें दिल्ली से लगने वाली उसकी सीमा भी शामिल है। इसके साथ ही प्रदेश में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल और मॉल भी खुल सकेंगे। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 5 के लिए जारी दिशा निर्देश के तहत 1 जून से सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी है। हालांकि निजी कार्यालयों में जहां तक संभव हो घर से काम करने को प्रोत्साहित करने की बात भी कही है। राजस्थान में मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, वो 8 जून से ही खुलेंगे। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र सरकार ने मॉल को छोड़कर सभी बाजारों, छोटी दुकानें, बड़ी दुकानों को 5 जून से सम विषम आधार पर खोलने की अनुमति दे दी है। साथ ही सभी निजी कार्यालयों को 8 जून से 10% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति भी दी है। लॉकडाउन के कारण थम चुकी रेलवे भी आज से धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू कर देगी। लंबी दूरी के लिए एसी स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद अब रेलवे आज से पैसेंजर ट्रेन चलाने जा रहा है। 1 जून से देश में करीब 200 पैसेंजर ट्रेन यात्रियों को घर तक पहुंचाएंगी। रेलवे के मुताबिक पहले दिन यानी आज करीब 1,45,000 यात्री यात्रा करेंगे। इसी के साथ केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड भी आज से लागू की जा रही है। इसे 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है, जिसके बाद एक राशन कार्ड से किसी भी राज्य में राशन लिया जाएगा। सरकार ने ये कदम गरीबों की परेशानियों को देखते हुए उठाया है। HS न्यूज के लिए प्रज्ञा शुक्ला की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।